हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशेष बंसल और आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है जिसको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो भी मनी होती है उसको अलग अलग तरह की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जरूरी नहीं है स्टॉक्स में ही कर सकता है, वो बॉन्ड्स में भी कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकता है, डिबेंचर्स में भी कर सकता है और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे वो इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करता है। सो बेसिकली किसी भी म्यूचुअल फंड के चार मेन पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर पूरा म्यूचुअल फंड टिका होता है। पहला है स्पॉन्सर, दूसरा है ट्रस्टी, तीसरा है AMC और चौथा है RTA। सो पहला, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगा। सो पहला है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या करता है? बेसिकली दे प्रोवाइड मनी टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, मतलब कि वो फंड मैनेजर को बेसिकली जो इनिशियल सीड कैपिटल चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं किसी म्यूचुअल फंड, ताकि वो आगे इन्वेस्ट कर सके। सेकेंड पिलर होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होता है? वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कस्टोडियन होता है एक तरह से किसी म्यूचुअल फंड का। सो वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक डिसीजंस के लिए जो भी AMC लेती है, क्योंकि AMC बेसिकली क्या करता है? बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेता है, जो कि हमारा थर्ड पिलर है। सो लेकिन उसके बाय और सेल डिसीजन के लिए ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ट्रस्टी जो है वो इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। नाउ फोर्थ पिलर बच गया हमारा RTA। RTA क्या करता है? RTA बेसिकली बैक एंड ऑपरेशन प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड को। जैसे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या बिग इन्वेस्टर है, उसके जो भी फंड वो डेबिट करेगा या अपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेगा, वो सारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो एक RTA रिस्पॉन्सिबल होगा उस म्यूचुअल फंड के लिए। सो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं अपनी FD से इनका ज़्यादा। सो अगर आप के पास कोई टॉपिक है स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को अच्छे से और डीप में समझाने की।